चलो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सॉरी यार, वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हो पाया था। ठीक है, चलिए। आपको दिया ट्रायंगल एबीसी का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन विच ए बी इक्वल टू ए सी सर्कम स्क्वायर सर्कल। तो हमने क्या किया था, एक एक हमने ट्रायंगल बनाया था, इसके अंदर एक सर्किल है जो तीनों साइड को ऐसे टच करेगा। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। क्वेश्चन क्या था, प्रूव दैट बेस इज बाइसेक्टेड बाय द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। बेस कौन सा है, बी सी। यहाँ पर इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, डी। हमको क्या गिवन है, डाटा गिवन ए बी इक्वल टू ए सी। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है बी डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, अभी देखो इसके लिए हम कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर एक सर्किल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट उसको ज्वाइन करते हैं, तो अगर ये P है, ये A है और ये B है, तो हमने क्या पढ़ा था, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये जो सर्किल है, इस सर्किल से अगर मैं ध्यान से देखूं तो A इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट है, इसको मैं कह देता हूँ E, इसको मैं कह देता हूँ F। तो A पॉइंट अगर एक्सटर्नल है, कौन से दो टेंजेंट है, E और AF। अगर B एक्सटर्नल है तो कौन से दो टेंजेंट है, BD और BE। और C अगर एक्सटर्नल है, कौन से दो पॉइंट है, DC एंड CF। तुमको क्या गिवन है, AB इक्वल टू AC। हमको प्रूफ करना है BD इक्वल टू DC। अभी देखो हम AB को कैसे लिख सकते हैं, AE प्लस EB लिख सकते हैं इक्वल टू AC को क्या लिख सकते हैं, AF प्लस FC। एग्री सब लोग, है ना। AB को हम क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EB, और AC को AF प्लस FC। हमको वो गिवन था, हम उसी को लेके शुरू करेंगे और आंसर निकालेंगे। अभी हम यहां लिख सकते हैं AE इक्वल टू AF, AE इक्वल टू AF, रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A, AE इक्वल टू AF, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। ओके, तो इसका मतलब A इक्वल टू AF हो गया, तो इसको ऐसे लिखेंगे AE इक्वल टू AE प्लस EB इक्वल टू AF को क्या लिखते हैं, AE लिख देते हैं प्लस FC, ये दोनों कट गए क्योंकि AE इक्वल टू AF है। हमने इस AF को किससे रिप्लेस कर दिया, AE से रिप्लेस कर दिया। अब क्या बच गया, EB इक्वल टू FC। अभी देखो ये EB किसके इक्वल है, BD के। हम लिखेंगे EB इक्वल टू BD, सेम रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, B। और दूसरा FC इक्वल टू DC, सेम रीजन टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट C। अब EB की जगह क्या आ गया, BD, FC क्या आ गया, DC। यही हमको प्रूव करना था, कोई डाउट कोई शक इसमें। अब इस वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हाँ इसको आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हो, बट अब हमको जब ये फॉर्मूला पता है, जब हमको ये, अब एक्चुअली वो जो थ्योरम हमने पढ़ी ना सेकंड वाली, एक्सटर्नल पॉइंट से इक्वल होते हैं, हम अब उसको यूज करना सीख रहे हैं। आप कर सकते हो, आप बीच में वो डालोगे वो उस RHS से भी हो जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है बच्चा, वो बहुत मैथ्स में मेथड कई होते हैं। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 6। एक सर्किल इज टचिंग द साइड BC, सेम वैसी क्वेश्चन है। ए सर्किल इज टचिंग द साइड BC, इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम बच्चे डायग्राम गलत बनाते हैं। सिक्स क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो अपने बुकलेट में, सिक्स क्वेश्चन का डायग्राम मैक्सिमम बच्चे गलत बनाते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं जब भी क्लास में क्लास लेता हूँ, पूछता हूँ इसका डायग्राम बना दो, 90% बच्चे इसका डायग्राम गलत, 99% बच्चे पहली बार में गलत बनाएंगे। मैं बताता हूँ, हो गया शून कॉपी, और ये सिक्स क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है,
उसमें दिया ए सर्किल इज टचिंग द साइड बीच ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। इसको देखते हैं मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, ऐसा डायग्राम बनाएंगे, एक सर्किल एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी, जो ट्रायंगल दिया था एबीसी, उसमें एक सर्किल भी होना चाहिए, वो साइड बीसी को टच करता है, तो अपने एक सर्किल बना दिया। कहां पर टच कर रहा है, पी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये बना दिया। अब बोलेगा टचिंग बीसी एंड एसी एट क्यू एंड आर, तो इसको मैंने क्यू ले लिया, इसको मैंने आर ले लिया, क्या मेरा डायग्राम करेक्ट है? इस क्वेश्चन में ना क्या ये मेरा डायग्राम करेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या क्वेश्चन, ये डायग्राम करेक्ट है क्या? मैक्सिमम बच्चे ये डायग्राम बनाते हैं, आपको मैं गलती बता रहा हूं। आप क्वेश्चन पढ़ो ना रुद्राक्ष, क्वेश्चन पढ़ के तो पता लगेगा हाँ भाई सही गलत है या नहीं है, ऐसे थोड़ी तो पता नहीं। सर सर्किल विल बी बिलो द ट्रायंगल, एकदम संकेत एकदम सही पहचाना है। तो यहाँ पर ये लाइन एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूस्ड वाले ये शब्द मैक्सिम बच्चे भूल जाते हैं और मैक्सिम ये वाले ये डायग्राम बनाते हैं, इसलिए ये गलती नहीं करना कभी भी। मैं मैक्सिम बच्चों को बताता हूँ, जब ये एग्जाम में आता है हाँ प्रोड्यूस लिखा है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं ना, ये सर्किल इज टचिंग साइड बी सी, वो बना देते बी सी बना देंगे, वो सब काम कर देंगे, बाकी सब भूल जाएंगे, प्रोड्यूस वाला शब्द भूल जाते हैं। इसलिए मैंने तुमको गलती बताई कि गलती क्या करते हो वो बता दिया तुमको। तो हमारा क्या है, एक ट्रायंगल है, ये हमारा ट्रायंगल था बी ए बी सी, इसकी साइड को हमको बढ़ाना है ऐसा, ये ए है ये बी है सी है, तो यहां पर एक सर्किल ऐसा होगा, तो ए सर्किल इज टचिंग द साइड बी सी एट पी, तो ये पॉइंट हो जाएगा पी। ए बी एंड ए सी आर प्रोड्यूस टू क्यू, तो ए बी को प्रोड्यूस किया क्यू तक, ए सी को प्रोड्यूस किया आर तक, ये आगे जा रहा है जाने दो इसको, ठीक है? ये डायग्राम करेक्ट है, याद रखें। चलिए फर्स्ट क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ है ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, एकदम बच्चों वाला प्रूफ, ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी प्लस सी पी, ठीक है जी। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ए बी तो ए बी है प्लस, अब हमको मालूम है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, बी पी इक्वल टू क्या है बी क्यू है, क्यों एक्सटर्नल पॉइंट, अब इस सर्किल के लिए बी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है और सी बी क्या है एक्सटर्नल पॉइंट है, और जब बड़े पिक्चर में देखूंगा तो ए बी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो पहले लिख लो एक्सटर्नल पॉइंट से कौन कौन से पॉइंट आपको मिलेंगे। समझो जब आपका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, अगर ए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है तो आपको क्या मिलेगा ए क्यू इक्वल टू ए आर, अगर एक्सटर्नल पॉइंट बी है तो तुमको क्या मिलेगा बी पी इक्वल टू बी क्यू, थर्ड भी लिख लो अगर एक्सटर्नल पॉइंट सी है तो तुमको क्या मिलेगा पी सी इक्वल टू सी आर। अब तुमको अगर ये पता है तो तुम कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो, हमको सिर्फ वही ढूंढना है कि कौन से साइड कौन से इक्वल है। अभी हम क्या करेंगे, हमको फर्स्ट वाला प्रूफ करना है, ये वाला, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले को यूज करेंगे, कौन सा एक्सटर्नल पॉइंट ए, इसका मतलब ए क्यू इक्वल टू ए आर, तो फर्स्ट वाला देखो कैसे सॉल्व करेंगे ए क्यू इक्वल टू ए आर, ए क्यू को कैसे लिखेंगे ए बी प्लस बी क्यू, ए आर को कैसे लिखेंगे ए सी प्लस सी आर, अब बी क्यू किसके इक्वल है बी पी के, इसको यूज करेंगे तो ए बी प्लस बी पी इक्वल टू ए सी सेम रहेगा, सी आर किसके इक्वल है पी सी के, पी सी फर्स्ट वाला हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट कोई शक किसी को इस पार्ट में देख सकते हो आप लोग, एनी डाउट इन फर्स्ट पार्ट, इजी लगा सबको एकदम? तो मैक्सिम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट को बेस्ड है, जहां पर आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा उस एक्सटर्नल पॉइंट को यूज करके हमको ये प्रूफ्स करने हैं। चलिए आगे क्या दिया है, बी वाला करेंगे, ए क्यू इक्वल टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो हाफ इक्वल टू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी एच, यही होगा ठीक है। अब हम क्या करते हैं, आर एच एस लेके चलते हैं और एल एच एस लेके आएंगे, ठीक है। आर एच एस लेके चलते हैं और आर एच एस, आर एच एस लेके चलेंगे और एल एच एस हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। देखते चलो, बीस हाफ को तो वैसे ही रखो, ए बी को भी वैसे रखो, केवल बी सी को स्प्लिट कर दो। तो व्हाट इज बी सी, द बी सी इज बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए को वैसे ही रखो। अभी देखो हाफ को वैसे ही रखो, अभी देखो ए बी, अब बी पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी क्यू लिख सकते हैं, यहां पर अभी हमने किया था। तो ए बी प्लस बी क्यू प्लस पी सी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस सी ए, ओके जी, इक्वल टू हाफ। चलिए जी, अब ए बी प्लस बी क्यू क्या बन गया, ए क्यू बन गया, ए क्यू प्लस सी आर और सी ए, ये सी आर और सी ए क्या बन गया, ए आर बन गया, ए आर। और देखो हमको ए क्यू इक्वल टू क्या दिया है, ए आर दिया है, तो हाफ इक्वल टू ए क्यू प्लस, इस ए आर की जगह क्या लिखेंगे, ए क्यू, तो क्या बन गया, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ ए क्यू, हाफ से हाफ कैंसिल, आंसर क्या बच गया, ए क्यू। यही हमारा क्या था, एल एच एस। कोई डाउट, कोई शक किसी को किसी पॉइंट पे, आप एल एच एस लेके करोगे तब भी आर एच एस लाएगा, आप कहोगे तो वो भी आपको प्रूफ दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन तीन नंबर में आता है, याद रखना, जो ए बी सी तीन पार्ट है ये आपका तीन नंबर में आता है। क्या एल एच एस से आर एच एस लेके दिखाऊं, इच्छा है जानने की, क्योंकि मैथ में सब कुछ पॉसिबल है। एल एच एस लेके चलोगे आर एच एस आएगा, आर एच एस लेके चलोगे एल एच एस भी आने की संभावना पूरी होती है। अब कैसे आएगा देखो, इसी क्वेश्चन को नीचे से करना स्टार्ट करेंगे, इसी क्वेश्चन को नीचे से करना स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, हमको ए क्यू दिया है, हमको मालूम आंसर में क्या चाहिए, वन बाई टू चाहिए, तो मैंने क्या किया, इसको टू से डिवाइड किया और टू से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके जी। अब क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ ए क्यू और हाफ, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, हाफ ए क्यू प्लस ए क्यू। आप इन्हीं सारे स्टेप्स को उल्टा लिख दोगे तो तुम्हारा ऊपर आ जाएगा, दिख रहा सब कुछ वही। अब हाफ इक्वल टू ए क्यू प्लस ए आर, फिर क्या लिखेंगे, अब ए क्यू क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी क्यू प्लस सी आर प्लस सी ए इक्वल टू हाफ ए बी प्लस बी पी प्लस पी सी प्लस सी ए, फिर हाफ ए बी, ये क्या बन जाएगा हमारा, फिर से बी सी प्लस सी ए। तो मैथ्स में एल एच एस लेके आर एच एस, एल एच एस लेके आर एच एस लाओ, आर एच एस एल एच एस लिया हो, सब बराबर है, सब आप प्रूफ कर सकते हो। यस, चलो आप मेरे को सी पार्ट का आंसर बताओ। इफ ए क्यू इक्वल टू फाइव, फटाफट बिना पेन पेपर के, इफ ए क्यू इक्वल टू फाइव सेंटीमीटर, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, फटाफट। इफ ए क्यू इक्वल टू फाइव, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, एकदम सही ऋतुजा, सम्यक, गुड, एकदम तुम लोग प्रेजेंस ऑफ माइंड एकदम बढ़िया तुम लोगों का। यस, 10 इज द राइट आंसर, आपको बी पार्ट में दिया है। अगर ए क्यू फाइव हो गया तो टू को यहां ले जाओ तो कितना होगा, फाइव टू जा 10, गुड, सप्लाई क्लियर समझ में। ये क्वेश्चन तीन नंबर में बहुत बार आता है, याद रखना, ये सेम क्वेश्चन तीन नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे और कुछ चेंज, ये भी चेंज नहीं होता, ए पार्ट एज इट इज आता है, बी पार्ट भी एज इट इज आता है, ये ए क्यू की जगह ए आर रख देंगे, इतना ही चेंज करेंगे और कुछ चेंज नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए, अब उसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 7, द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी टच द साइड सी, इसमें हमारा सर्किल अंदर बनेगा, तो हमने एक सर्किल बनाया,
और हमने एक ट्रायंगल ऐसा बना दिया। ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। अब बी सी को टच करता है डी पे, तो ये डी होगा, ये करेक्ट लिखना। सी ए को टच करता है ई पे, ई हो गया, और ये हमारा एफ हो गया। उसने ये दो प्रूफ करने को कहा हमको कि ए एफ प्लस बी बी प्लस सी ई, ये फर्स्ट पार्ट हमको प्रूफ, इक्वल टू हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। और सेम चीज ऐसी ए प्लस बी एफ प्लस ए डी। तो पहले हम लिख लेते क्या क्या किसके किसके इक्वल है। तो ए एफ ए के इक्वल है क्योंकि ए एक्सटर्नल पॉइंट है। आपका बी एफ बी डी के इक्वल है, एक्सटर्नल पॉइंट बी हो गया। एंड आपका सी ई इक्वल टू सी डी, एक्सटर्नल पॉइंट सी। तो फर्स्ट वाला देखो अपने आप एज इट इज प्रूफ हो गया कि ए एफ किसके इक्वल है, ए बी डी किसके इक्वल है, बी एफ, और सी किसके इक्वल है, सी डी। कोई डाउट कोई शक होगा प्रूफ। है ना, फर्स्ट पार्ट का एकदम क्लियर। सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे, हाफ द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये भी आराम से प्रूफ हो सकता है। कैसे होगा देख लेते हैं। तो हाफ एबीसी को लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अभी हम क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमें प्रूफ, ये वाला पार्ट प्रूफ करेंगे। तो हम आर एच एस लेके चलते हैं, एल एच एस लाएंगे क्योंकि आर एच एस एल एच एस लाना ईजी है। ठीक है, तो हाफ आप ए बी को पीसीज में लिख दो। ए बी को कैसे लिखते हैं, ए एफ प्लस एफ बी। बी सी को भी लिख दो, बी डी प्लस डी सी प्लस सी ओ को लिखेंगे ए ई प्लस ई सी। चलो जी हाफ, अभी हमको मालूम है ए एफ किसके इक्वल है, ए ई। तो ए एफ को तो एज इट इज रखो, ठीक है, बी एफ को भी एज इट इज रखो, एफ बी। हमको बी डी, बी डी किसके किसके इक्वल है, बी एफ के। तो ये बी डी होगा, ये किस में चेंज हो गया, एफ बी में चेंज हो गया। प्लस सी डी हमको चाहिए, नहीं चाहिए हमको सी ई चाहिए। तो सी डी किसके इक्वल है, सी ई, ध्यान से देखते चलो। प्लस ए हमको चाहिए, नहीं चाहिए, ए किसके इक्वल है, ए एफ। तो इसकी जगह क्या गया, ए एफ, और सी को वैसी रखो। तो आपको क्या मिल गया, हाफ इंटू ट्वाइस ऑफ ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। मैंने शायद इसको गलत चेंज कर दिया, इसको ये बी एफ को हम लोग बी डी में चेंज करेंगे, ये बी डी हो जाएगा और ये एज इट इज बी डी रहेगा। तो टू से टू कैंसिल, हमारा प्रूफ आ गया कि ए एफ प्लस बी डी प्लस सी ई। किसी को कोई डाउट हो, कोई शक हो तो पूछ सकते हो। यस शेफाली जी, कहां आपको नहीं समझा और आपको क्या नहीं समझा। आज आपका ध्यान लगता है मैथ के पेपर पे ज्यादा है। इसलिए आप समझे नहीं। ये पैरामीटर होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो एग्री। अब मैंने ए बी को क्या लिखा, ये लिखा ए एफ प्लस एफ बी, ये तो लिख सकते हैं। बी सी को मैंने क्या लिखा, ये लिखा बी डी प्लस डी सी। सी ए को क्या लिखा, ए प्लस ई सी, ये तो क्लियर। ए एफ ए एफ एज इट इज। एफ बी को हमने क्या लिखा, बी डी, क्योंकि एफ बी इक्वल टू बी डी हमको मालूम है। बी डी को बी डी रखा। सी डी को हमने चेंज कर दिया सी ई में क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ए को चेंज कर दिया ए एफ में, दोनों इक्वल हैं। हमको जो चाहिए था हमने वो रखा, दूसरे को हमने रिप्लेस कर दिया। अभी ए एफ कितनी बार है, दो बार। बी डी कितनी बार है, दो बार।
सी कितने बार है, दो बार, इसलिए मैंने टू कॉमन ले लिया, टू से टू कट गया, ये हमारा आंसर बच गया। अभी भी कोई डाउट? अभी भी कोई डाउट? क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार दो नंबर में पूछा जाता है, याद रखना। ये सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 भी कई बार दो नंबर में पूछा था। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, आपको पहले क्लियर बताता हूँ, पर ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। आप पूरी एक्सरसाइज देखना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेंगे नहीं आपको, पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ए सर्किल टच द फोर साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। एकदम बराबर। तो हम क्या करते हैं, एक सर्किल बना देते हैं और एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं। यहाँ आर डी के हैं, बट ये एनसीईआरटी में नहीं, बट ये बोर्ड में पूछे जाते हैं। तुमने क्या किया, एक सर्किल बना दिया, फिर हमने क्वाड्रिलेटरल बना दिया ऐसा। क्वाड्रिलेटरल कैसे भी हो सकता है, इसको हम नाम दे दिए ए बी सी और डी। वो कहता है प्रूफ करो कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, मतलब ये ए बी वाला साइड प्लस बी सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए। तो वही सेम चीज, ये सेंटर ऑफ द सर्किल, यहां पर नाम दे दो फिर से फटाफट पी, इसको क्यू दे दो, इसको आर दे दो और इसको एस दे दो। ये आपको कंस्ट्रक्शन करना, बता देना कि भैया पॉइंट क्या है, पी क्यू आर एस। हम लिखेंगे क्या क्या इक्वल है, क्या क्या इक्वल है भाई, ए पी इक्वल टू पी एस ए एस, दिख रहा सबको, यस, एक्सटर्नल पॉइंट ए। और क्या इक्वल है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, बी पॉइंट वाला, ऐसे सी क्यू इक्वल टू सी आर, ओके, फिर डी एस इक्वल टू डी आर। एग्री? Everyone should agree. चलो जी, अब इसको लेके चलते हैं, इसको ले आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी प्लस सी डी को क्या लिख सकते हैं, डी आर प्लस आर सी। अब चेंज कर दो, ए पी किसके इक्वल है, ए एस, बी पी किसके इक्वल है, बी क्यू, देखते हो चलो सब लोग, जो मैंने यहाँ ये इसलिए हम पहले लिख दिया मैंने ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने के लिए। चलो जी, डी आर किसके इक्वल है, सी क्यू, ओके जी, आर सी, डी डी आर, डी आर इक्वल है डी एस के, सॉरी डी आर आपके इक्वल है डी एस के, प्लस आर सी किसके इक्वल है, क्यू सी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, ए एस और डी एस को साथ में लिखते हैं, प्लस बी क्यू और क्यू सी को साथ में लिखते हैं। अब ए एस प्लस डी एस क्या बन गया, ए डी, और बी क्यू प्लस क्यू सी क्या बन गया, बी सी। हेंस प्रूव, ये क्वेश्चन कई बार दो या तीन नंबर में पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कोई डाउट या कोई शक तो पूछ सकते हो आप लोग। कोई डाउट नहीं, ये क्वेश्चन दो नंबर का आता है, दो या तीन मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है। अब इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, सर इक्वल साइड एड करके भी हो जाएगा, नाइन्थ में वही करना है बच्चा। सुनिए, इफ ऑल द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम टच ए सर्किल, सेम चीज। अब इसने क्या कहा, जो एक क्वाड्रिलेटरल था, इस क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। अब इसने कहा जो क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये पैरेललोग्राम है, तो उसने कहा अगर ये पैरेललोग्राम है तो बताओ ये रोम्बस भी होगा क्या। उसने बोला अगर एक क्वाड्रिलेटरल, अगर मान लो पैरेललोग्राम हो तो ये रोम्बस भी होगा क्या, बिल्कुल। कैसे, अगर ये पैरेललोग्राम होगा, इफ ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, देन ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, ये तो सबको मालूम है। अब इसको यहां पुट कर दो,
अब ए बी किसके इक्वल है, सी डी, तो क्या बन गया ए बी प्लस ए बी लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू बी सी को बी सी रहने दो, ये क्या बन गया, ये भी बी सी बन गया क्योंकि इक्वल है, देखो यहाँ पर हम क्या बन गया आपका, यहां से इसको नीचे लेते हैं तो 2ab इक्वल टू ट्वाइस ऑफ bc, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया ab इक्वल टू bc, पर ab किसके इक्वल है, cd के इक्वल है, तो इक्वल टू cd, और भाई bc किसके इक्वल है, ad के इक्वल है, तो ये भी ad हो गया, चारों साइड इक्वल हो गई, इसलिए क्या बन जाएगा, रोम्बस, कोई डाउट कोई शक, जब रोम्बस वाला पार्ट पूछेंगे तो क्वेश्चन 3 नंबर में बन जाता है, जब ऊपर वाला पूछेंगे तो 2 मार्क्स में, जब नीचे वाला पूछेंगे तो 3 मार्क्स में, कोई डाउट कोई शक किसी को, सबको क्लियर, चलिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता क्वेश्चन, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए फिर से एक क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है, तो एबीसी क्वाड्रिलेटरल है सच दैट डी 90 डिग्री है, तो हमने एक पहले एक सर्कल बनाएंगे, ये क्वाड्रिलेटरल क्या कर रहा है, सर्किल को टच कर रहा है, इस चैप्टर मैक्सिमम में सर्किल अंदर बनेगा और ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल बाहर बनेंगे, तभी तो आउटसाइड टेंजेंट बनेगा, अंदर हो तो टेंजेंट कैसे बनेगा, अब इसने कहा इसका एक एंगल 90 डिग्री है, तुमने क्या किया इसको 90 डिग्री बना दी, ठीक है, इनको भी ज्वाइन कर दो, तो एबीसी 90, तो इसने बोला डी 90 डिग्री है, तो इसको हमने डी मान लिया, मान लो तो डी हो गया, इसको सी ले लो, इसको बी ले लो, इसको ए ले लो, ये हम पॉइंट ले लेते पी, हाँ तो ए बी पे, ए बी पे क्या है पी, तो ए बी ये पी पॉइंट हो गया, बी सी पे कौन है क्यू, तो क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये एस हो गया, अब इसमें कहला बी सी 38 है, तो ये हो गया हमारा 38 सेंटीमीटर, ओके जी, सी डी 25, तो ये 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर, बी पी ओके, ये पार्ट कितना है, ओके 25, ये पार्ट कितना, सर दे देर इट हैज टू प्रूव पैरेललोग्राम ए रोम्बस, सो हाउ डिड वी टेक द एफ साइड आर इक्वल वाला थ्योरम, वो बच्चा जी उसने बोला जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है, उसने क्या बोला, इफ द ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम टच ए सर्किल, इसने पहले कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन बेटा दिया है, क्वेश्चन में भी दिया है ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है, उसको बता, वो बोला प्रूफ कर दो ये पैरेललोग्राम तो रोम्बस भी है, तो पैरेललोग्राम रोम्बस कब हो सकता है ना, क्योंकि अगर चारों साइड इक्वल हो तो रोम्बस हो सकता है, और चारों साइड इक्वल और पैरेलल हो तो पैरेललोग्राम भी हो सकता है, इसमें क्या डाउट है, हुआ क्लियर, ये ऑलरेडी गिवन है, ये आपको गिवन है, देखो ये पैरेललोग्राम है, हुआ क्लियर, अभी शिवाली क्लियर हुआ, ओके चलो, ओके बीपी कितना है 27 सेंटीमीटर, फाइंड आर, तो समझो इसका हमको रेडियस निकालना है, ओ चलो हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, तो कोई मुझे बता सकता है ओ आर डी एस ये किस टाइप की शेप है, ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, रोम्बस है, स्क्वायर है, ये क्या है बताओ, मेरे को सोच के बताओ, व्हाट इज ओ आर डी एस, यस इट इज ए स्क्वायर, अब स्क्वायर कैसे वो भी समझना जरूरी है, यस क्योंकि ये डी आपको कह दिया पहले से 90 दिया है, तो ये भी कितना होगा 90, क्यों टेंजेंट, ये भी कितना होगा 90, क्यों टेंजेंट,
और तीनों अगर 90 हो गए तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। ये बात भी क्लियर है। ओके जी, अभी देखो ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, ठीक है जी। अब ये साइड इसके इक्वल है और ये आमने वाले सामने एंगल कैसे है, 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो गया आर और ये भी क्या हो गया आर। वापिस बताता हूं संकेत एक बार, हमको डी दिया 90 डिग्री, ठीक है, तो ये टेंजेंट है ना ओ आर, इस सी डी के ऊपर टेंजेंट है तो 90 डिग्री होगा, यस। ये ओ एस ए डी के ऊपर टेंजेंट है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो तीन एंगल 90, तो चौथा एंगल भी क्या होगा 90 होगा ही होगा, ठीक है। अभी देखो रेडियस कितना दिया आर, व्हाट इज रेडियस आर, तो दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर है 90 डिग्री, चारों एंगल 90 किसके होते हैं, स्क्वायर के, और किसके होते हैं, रेक्टेंगल के होते हैं, पर इसमें ये रेक्टेंगल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ओ आर इक्वल टू ओ एस रेडियस है, ये दोनों कैसे हैं, रेडियस है, इसलिए अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा आर, ये आर है तो भी कितना हो गया आर, स्मॉल आर, ठीक है। अब उसने कहा फाइंड द आर, अब इसको देखो कैसे करेंगे, ठीक है जी। अभी देखो आपको क्या क्या दिया है, BC आपको 38 दिया है, ओके, CD आपको 25 दिया है, ओके, और आपको BP आपको दिया है 27। चलिए जी, तो आर आपका कितना है, एक सर हाउ BP इक्वल टू DC, BP इक्वल टू DC, मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं बच्चा, क्वेश्चन में देखो 25 दिया है, 27 दिया है, कुछ में दिया CD इक्वल टू 25 एंड BP इक्वल टू 27 सेंटीमीटर। बेटा इसमें केवल D 90 डिग्री है, बाकी साइड्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया, जो ग्रेटर है नहीं है, वो फिगर अलग भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता था कि यहां पर होता, ऐसे भी हो सकता था, तब भी ये भी हो जाता, क्या फर्क पड़ता, ये सी हो जाता तब भी होगा ना, पॉसिबल, वो तो डायग्राम कैसी बनाओ वो तो पॉसिबल। क्वेश्चंस में जो दिया होता है इसमें हमको उसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, ठीक है जी। अभी देखो, अभी देखो ये क्या दिया है 25, तो ये RC कितना हो जाएगा 25 माइनस R, क्योंकि DR कितना है R, तो RC कितना हो गया, इट विल बी 25 DR R कैसे, अरे बेटा बताया ना कि ओ आर रेडियस है, ओ एस भी क्या है रेडियस है, ये स्क्वायर है इसलिए डी एस भी क्या हो गया आर, साइड स्क्वायर की चारों साइड सेम होती है ना, स्क्वायर तो समझे स्क्वायर है, अगर स्क्वायर होगा तो सारी साइड सेम होंगी इसलिए आर होगा, यस, ठीक है। अगर डी आर आर है तो आर सी कितना हो गया 25 माइनस आर, ओके जी। अब ये बी पी 27 है तो ये भी कितना होगा 27 होगा, बिल्कुल होगा, ये कितना हो गया 38 माइनस 27, व्हाट इज सी क्यू, 38 माइनस 27 कितना बचेगा 11, और आर सी किसके इक्वल है, सी क्यू के इक्वल है ना, तो ये सी आउट, सी आउटर पॉइंट किसके इक्वल होगा आर सी और सी क्यू, तो सी क्यू कितना निकला, सी आर हमारा कितना, सी आर सॉरी आर सी इक्वल टू सी आर, आर सी कितना आ गया 25 माइनस आर, सी क्यू कितना निकला 11, तो व्हाट इज आर, आर इक्वल टू 25 माइनस 11 आर इक्वल टू 14। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा है तो याद रखना है, छोटा सा पर 3 मार्क्स में पूछा है, किसी को किसी पार्ट में डाउट पूछ सकते हो आप लोग, एनी पार्ट। पहले हमने उसको क्या प्रूफ किया, स्क्वायर प्रूफ किया, स्क्वायर कैसे प्रूफ करेंगे, सारे एंगल अंदर के 90 होंगे क्योंकि D 90 दिया है, बाकी दो टेंजेंट्स हैं तो सेंटर ऑफ द एंगल भी आपका 90 होगा, इसे 90 हो गया, सारे क्या हो गए स्क्वायर बन गया, स्क्वायर बन गया तो ये भी R, ये भी R, सब R। अब ये डी आर अगर R होगा तो R थी क्या होगा 25 माइनस R, क्योंकि ये 25 गिवन है,
हमको बीपी दिया कितना 27, तो बी क्यू भी क्या हो जाएगा 27, तो भी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो 27 ये भी होगा तो ये भी क्या होगा 27 होगा। ये पूरा 38 दिया है तो ये पार्ट कितना होगा 38 माइनस 27 कितना आ गया 11, इसका मतलब 25 माइनस आर इक्वल टू 11, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है। हो गया क्लियर? क्लियर समय क्लास टेप भी आर विल बी 14 सेंटीमीटर। समय क्लियर? समय क्लियर? तो यहां पर आपका डे वन का समाप्ति होता है। चलिए अब डे टू पे चलते हैं। हम देखिए सारे वो मस्त मस्त क्वेश्चन वैसे वाले हैं। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे हम दो साइड्स को डिवाइड करके निकालते हैं, ये क्वेश्चन वैसे ही है। द रेडियस ऑफ द इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर 6 and 8 सेंटीमीटर। लो जी बड़ा आड़ा तीसरा क्वेश्चन उसने बना दिया, बता दो साइड क्या है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, इसका मतलब ट्रायंगल होना चाहिए और उसके अंदर एक सर्किल होना चाहिए। तो हमने एक सर्किल एक ट्रायंगल बनाया और हमने एक सर्किल बना दिया जो ऐसे टच कर रहा है ए, ये हमारा बी और ये हमारा सी। इसने बोला इसका रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर है एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इनटू बाय 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो कहते जो सर्किल है वो ट्रायंगल को क्या कर रहा है, किसी भी एक साइड को जब कट करेगा डिवाइड करेगा तो 6 और 8 सेंटीमीटर में करेगा। तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। बुक में तो डायग्राम दिया है, इसमें डायग्राम भी नहीं है। उसने कहा बताओ बाकी दो साइड क्या होंगी, तुमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है ए बी एंड ए सी। ये क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स में पूछा जाता है, याद रखना। कितने मार्क्स में पूछते हैं? 4 मार्क्स में, ठीक है। अब इसको करना कैसे वो बताता हूं, ध्यान से सुनना, देख क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे ये 4 सेंटीमीटर है ऐसे ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी आपका 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से प्रूफ करना है। मैं देखो इसको इसकी इसमें दोनों फॉर्मूले लगेंगे, एक इसमें हीरोइंस फॉर्मूला भी लगेगा और इसमें आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये दोनों फॉर्मूले इसमें काम आएंगे, इसलिए क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, याद रखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा और ये अगर 8 है ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, इसमें तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। इसको मैं x मान लेता हूं तो ये भी कितना हो गया मेरा x। यहां तक क्लियर सबको? आई होप सो यहां तक सबको क्लियर होगा। हमने क्या किया 6 सेंटीमीटर यहां था, यहां भी 6 सेंटीमीटर ले लिया, यहां पर 8 सेंटीमीटर था, यहां भी हमने 8 सेंटीमीटर ले लिया और ऊपर ए पॉइंट से जो आए थे पॉइंट उसको हमने क्या बोल दिया एक्स बोल दिया। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम डी ई कुछ नाम दे देते हैं ताकि हमको करने में इजी रहेगा। तो इसको हम डी बोल देते हैं, यहाँ पर ये ई पॉइंट हो गया और ये एफ पॉइंट हो गया, बाद में काम आने वाला है, ठीक है। तो हम हीरोइंस फॉर्मूला यूज करके आपका हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाँ जी, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। एस क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। यहां पर ए आप किसको ले लो? आप ए बी को ले लो, बी आप किसको ले लो? बी सी को ले लो और सी आप किसको ले लो? सी ओ को ले लो। चलो मेरे को फटाफट एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताओ कितना होगा, फटाफट। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, यूज हीरोइंस फॉर्मूला और मेरे को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के बताइए।
28 + 2x। जी बाकी लोग भी बताइए क्या है आपका आंसर। संकेत ये रूट के अंदर है ना। आई थिंक ऐसा 28 + 2x तो हम क्या करेंगे 2 14 + x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने करेक्ट लिखा है ब्रैकेट 2 14 + x, इसको 14 + x लिखने का रीजन एक, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। सबका है भाई और बहनों, जल्दी करो सब लोग, फिर मैं इसका आपको अगला पार्ट सिखाता हूँ। अगला पार्ट में क्या करना है आपको, फास्ट फास्ट इतना टाइम लगना चाहिए। हेवेंस फॉर्मूला 9th क्लास में सबने पढ़ा है, कोई बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है जो इतना टाइम लग रहा है आप लोगों को, फटाफट होना चाहिए। इसलिए कई जल्दी से बोलो, जब कई जवाब आएंगे तो मेरे को समझेगा कि किसका जवाब करेक्ट है। इतना तो आप लोग आना चाहिए, 10th क्लास में आ गए हो। संकेत एक बार अपना चेक करो, संकेत सम्यक, संकेत अभी आपका 62 + 2x आया है, वापिस चेक करो, मैक्सिमम लोगों का 14 + x आ रहा है। ऐसा मत करो कि मुझे ही करना पड़े। मैं करूं, इसका वैल्यू निकालना है मेरे को, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। एरिया ऑफ, व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। मैं करूं और शेफाली रुक जा बेटा, रुक जा, अभी ठंड रख। मैंने सिर्फ उसको रूट में मांगा है, इससे आगे नहीं करना है इसको। चलिए मैं ही करता हूं, मुझे इतने सारे जवाब मिले हैं इसलिए मुझे ही करना पड़ेगा। चलिए 6 + x + 6 + 8 + 8 + x / 2, यहां से क्या मिलेगा 14 14 28 + 2x / 2 = 14 + x (s - a). तो 14 + x, ए बी माइनस है, मतलब ए बी, ए बी क्या है 6 - x, तो -6 - x कितना बचेगा 8 बचेगा। s - b कितना बचेगा 14 + x, b क्या है bc, तो 6 + 8 मतलब -6 - 8 केवल x बचेगा। s - c 14 + 8 कैंसिल, क्या बचा 6 बचा। अब वैल्यू पुट करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू अंडर रूट, एस की वैल्यू कितनी आई 14 + x, 8 × x × 6 अंडर रूट 48 × x × 14 + 6। इसको यहां तक ऐसी रखना है, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको आगे सॉल्व नहीं करना है, इसको यहां पर ऐसे ही रखना है। इसका एक रीजन है, इसलिए आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसको, इस क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करोगे इसको आप इतना ही रखोगे, इसको आगे इसको आप चेंज नहीं करोगे। यहां तक क्लियर सबको,
क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो बताने लायक रहता है। अभी क्या करना आप लोगों को? अब दूसरा तरीका था एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का, क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो जो बड़ा ट्रायंगल है उसको हम तीन ट्रायंगल में चेंज करेंगे। कैसे बनेंगे तीन ट्रायंगल? हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करो बगैर, बी ओ को ज्वाइन कर दो, ओ सी को ज्वाइन कर दो एंड ए ओ को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ओ से ए, बी और सी तीनों को ज्वाइन कर दो, तो यहां पर आपका देखो तीन ट्रायंगल बनेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। किसी को डाउट कोई शक तो पूछ लो। सबको तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी है, हमने तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ओ से ए को भी ज्वाइन किया, बी को भी ज्वाइन किया, सी को भी ज्वाइन किया, तो तीन ट्रायंगल बन गए ए ओ बी, बी ओ सी एंड ए ओ सी। शिवाली आपको समझा? ठीक है जी। हमको मालूम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, अब मैं एक लिख देता हूं, बाकी तीनों आपको लिखना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हाफ इंटू बेस, तो ए बी का बेस कितना है? 6 प्लस एक्स एंड उसका हाइट कितना होगा? ये 4, क्योंकि ये टेंजेंट है सब, तो 90 डिग्री बनाएंगे, 90 डिग्री मतलब एल्टीट्यूड है, तो इंटू 4 हो जाएगा। चलो आप भी करो साथ साथ में। ऐसी एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी हाफ इंटू 6 प्लस 8 इंटू 4, ऐसी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4। हर जगह देखो कट करोगे सब कट होगा 2 से, ये भी अगेन 2 से कट हो गया, ये भी अगेन 2 से कट हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे? अब तीनों को प्लस करेंगे, तीनों में 2 कॉमन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तीनों में से 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ गया, अंदर क्या क्या बच गया? 6 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस 8 14 प्लस 8 प्लस एक्स, तो क्या बच गया? 2 अंदर कितना होगा? फिर से वही 14 प्लस 14 28 28 प्लस 2x, इसे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो बन जाएगा 4 14 प्लस x एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां तक सबको समझा? मैंने 14 प्लस x क्यों किया? क्योंकि देखो यहां भी 14 प्लस x है, उसी पर्पस मैंने कहा था उसको वैसे ही रखना है। यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट इन इस स्टेप में, सेकंड वाले पार्ट में? ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है, कई बार आता है, याद रखना, इसलिए इसको मैं आराम से प्यार से समझा रहा हूं। शिवाली क्लियर आपको? चलिए अब क्या करेंगे? अब भाई ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी है और ये भी ट्रायंगल हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम है इसलिए इक्वल होंगे। अब दोनों को इक्वल करेंगे, तो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपका 4 14 प्लस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 48 एक्स 14 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो और मेरे को x का वैल्यू फटाफट बताओ। x का वैल्यू 7 आएगा, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो और बताओ x का वैल्यू कितना आएगा फटाफट। मैं तो सर पानी पी लेता हूं।
Yes. The right answer is 7. क्या करेंगे? दोनों तो स्क्वायरिंग करेंगे. ये स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा. 14 प्लस x का स्क्वायर लिखना, ठीक है? यहां पर स्क्वायर कट जाएगा, तो 48x एंड 14 प्लस x. अब थोड़ा काटे पीटी कर लेते हैं. एक 14 प्लस x से 14 प्लस x कैंसिल हो गया, 16 बन जा, 16 3 जा, देखो कितना इजी हो गया. और क्या बच गया अभी? अच्छा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा. तो 14 प्लस x इक्वल टू 3x, 14 इक्वल टू 3x माइनस x इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ऊपर हमारा क्या था? ये x था, तो ये 7 हो गया, ये भी 7 हो गया. ए बी साइड विल बी 13 सेंटीमीटर एंड ए सी साइड विल बी 15 सेंटीमीटर. किसी को डाउट, किसी को कोई शक? 4 नंबर में क्वेश्चन काफी बार आता है, इसको ध्यान से करना. बहुत इजी है, सिर्फ हल्की देखा ना. 9th का सर्किल पूरा थ्योरम बेस्ड था, 10th का जो सर्किल है पूरा एल्जेब्रा टाइप का ही है. यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट सब वही है. तो इस लोग आप सिंसियरली अगर आप 10th का अच्छा मैथ करोगे, 100 मार्क्स लाना बहुत ईजी होता है इसमें. आप देखो ये आपने बचपन में बहुत बार किया है, स्क्वायरिंग भी किया है, प्लस माइनस किया, कटिंग सब कुछ वही है. आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे. चलिए सेकंड क्वेश्चन भी वैसी है, ये आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे. सेम ऐसी क्वेश्चन, एक सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल टचिंग तीनों साइड बी ए सी ए, फाइंड दिस एंड दिस एंड दिस. ये भी अच्छी, मैं आपको हिंट देता हूं, करना आपको खुद है. आपका एक ट्रायंगल, ये उसमें एक सर्किल, ये ए, ये बी और ये सी. ए बी, ए बी पे डी, ये हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ हो गया. आपको ए बी पूरा दिया है, बी सी पूरा दिया है और आपको सी ए पूरा दिया है. आपको क्या क्या निकालना है? ए डी निकालना है, बी निकालना है और आपको सी एफ निकालना है, ठीक है जी? करना कैसे है एक हल्का हिंट दे देता हूं थोड़ा, ताकि आप लोग समझ जाओगे आराम से. ये देखो हम क्या करते हैं, इस पार्ट को ले लेते हैं x, तो ये भी क्या हो गया x. इसको ले लेंगे y, ये भी हो गया y. इसको ले लेते हैं z, ये भी क्या हो गया z. अब ए बी इक्वल टू कितना है? 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब x प्लस y 8, बी सी कितना है 10, तो y प्लस z इक्वल टू 10. c कितना है 12, मतलब x प्लस z इक्वल टू 12, ठीक है? अब क्या करो, किसी भी इक्वेशन को पकड़ लो, जैसा फर्स्ट वाले को वैसे ही रखो. अब इसमें से y का वैल्यू यहां डाल दो, इसमें से y का वैल्यू क्या बन जाएगा? y इक्वल टू 10 माइनस वैल्यू यहां डालेंगे, तो यहां पर x का वैल्यू क्या बन जाएगा? 12 माइनस जेड. अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां डाल दो, इधर और इसमें इधर, तो क्या बन गया? देखो 12 माइनस जेड प्लस 10 माइनस जेड इक्वल टू 8, तो ये होगा 22 माइनस 2 जेड इक्वल टू 8. 8 को यहां ले लो, तो 22 माइनस 8 इक्वल टू 2 जेड. कितना बचेगा माइनस करेंगे तो? आई थिंक बचेगा 16, 14, 14 इक्वल टू 2z एंड z इक्वल टू 7. तो y कितना आ गया? 10 माइनस z, तो 3 आ गया. x कितना आ गया? 12 माइनस z, 5 आ गया. समझे आपको काम? आपका x क्या है? ad 7, y क्या आपका? be, ये भी हो गया. बहुत इजी है, ये कभी कभी पूछा जाता पर रेगुलर नहीं पूछा जाता है, पर कंसेप्ट वही है. तो आपको हर एक वैरायटी पता होनी चाहिए क्वेश्चन कैसे कैसे. ओके नोटेड, आगे चले. हाँ यहाँ फ्लो में क्या आंसर बता ही दिया मैंने. हाँ जी, क्या नहीं समझा आदित्य जी आपको?
आदित्य आपने वही तो कहा, इसको ले लो x, तो ये बन गया x, इसको ले लो y, ये बन गया y, इसको ले लो z, तो ये बन गया z, बाकी हमको दिया है। हाँ हो सकता है आपको गलत दिया हो, ये जो एक वैल्यू हमारी थ्री है, तो ये वैल्यू थ्री आ गई, सी एफ हमारा थ्री आ गया ना, देखो z इक्वल रहा, हो सकता है हाँ इसमें आंसर हो सकता गलत लिखा, ये हमने e जो लिया ना बी सी पे e लिया है और सी एफ पे f लिया, हाँ हो सकता है वो रूटीन में गलत हो, बट आंसर करेक्ट है अपना, अपने ऊपर फेथ होना चाहिए कि हम सही करेंगे। ओके चलिए थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा बाकी आप लोग खुद करोगे। थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एन ए कॉर्ड। ठीक है, तो पहले एक सर्किल कॉर्ड होगा तो मतलब एक सर्किल होना चाहिए, एक सर्किल बना दिया जी, अब बोला एक कॉर्ड होना चाहिए, हमने एक कॉर्ड भी बना दिया जी, तो इसका कोई सेंटर भी होगा और इसका सेंटर हो गया, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी, एक सर्किल और एक कॉर्ड। अब इसने कहा प्रूव दैट द टेंजेंट्स कहां पर, एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एन ए कॉर्ड, मतलब कॉर्ड के एंड पॉइंट पर, ए और बी क्या है इसके एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीमिटी मतलब एंड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, इसका मतलब समझो कोई बाहर पी पॉइंट होगा तभी तो टेंजेंट बनाएगा, इसने यहां से एक टेंजेंट ऐसा बनाया ऐसा पी ए, यहां से भी इसने एक टेंजेंट बनाया पी बी। अब क्या कहता है, प्रूव दैट टेंजेंट एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ एन ए कॉर्ड, तो हमको बताना है ये एंगल दिस इक्वल टू दिस, हमको ये बताना है इस कॉर्ड पे ये दो जो टेंजेंट बन रहे हैं ये एंगल क्या होंगे इक्वल, तो आपको क्या करना है इसको ज्वाइन करना है ऐसा, ये हमारे क्या आ जाएगा सी पॉइंट आ जाएगा, ये कितना रहेगा 90 डिग्री, बाकी आप लोग समझदार हो इसमें क्या करना है, हो जाएगा आराम से बाय एस ए एस आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल और बीच वाला साइड कॉमन हो गया, तो बाय एस ए एस ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। यस बेटा कर सकते हो, जो आपको इजी लगे, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे भी करो आगे चीज भी करो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन वैसी है, फ्रॉम द पॉइंट पी टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू द सेंटर सर्किल ओ, प्रूव दैट ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी, क्या प्रूव करना है, सेम ऐसी क्वेश्चन, ये समझो आपका दो टेंजेंट है ओ ओ ए एंड ओ बी, सेम ऐसी क्वेश्चन है पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, वो क्या बोलता है, प्रूव करो कि जो ओपी है दिस ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको प्रूफ करना है। सर हाउ ए पी सी इज इक्वल टू बी पी सी, तेरी पिटाई करूंगा मैं शैताली, हमने थ्योरम में पढ़ा था कि कोई भी जो टेंजेंट होता है वो ये एंगल इक्वल बनाता है, ये दो टेंजेंट होते हैं, तुम पिछली थ्योरम में भी तो बताया था मैंने, हमने प्रूफ किया था ना कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों इक्वल है, अगर इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल था 90 डिग्री, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तुम इतनी जल्दी भूल गए। अच्छा संकेत, ओ हो संकेत, संकेत तेरी पिटाई होगी, सॉरी से वाली एस, मैंने सिर्फ एस देखा तो मुझे कंफ्यूजन हो गया। हाँ भाई संकेत, समझाया था ना, देखो ये कल ही चीज समझाई थी हमने, इन दो ट्रायंगल्स को प्रूफ किया था ना कॉन्ग्रेंट, बराबर है, जब कॉन्ग्रेंट हो तो क्या होगा एंगल इक्वल होगा, ये 90 ये भी 90, ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, बराबर है। अब इसने कहा प्रूफ करो, प्रूफ दैट ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, इसका मतलब हमने ए बी लाइन को ज्वाइन कर दिया, उसने बताओ कि ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना है, ए सी इक्वल टू ए बी प्रूफ करना, ए सी इक्वल टू अपने को बी सी प्रूफ करना है, बी सी। ठीक है जी, सेम वही चीज हमने अभी इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है, किसको, ट्रायंगल ए सी पी एंड ट्रायंगल बी सी पी, सेम वही चीज, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड कॉमन, तो बाय आर एच एस ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट हो गया, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होगा इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा, बिल्कुल सही बात है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है ना, एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल बी सी पी,
बट ए सी बी इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, बिल्कुल भाई स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब एंगल ए सी पी प्लस एंगल बी सी पी 180 डिग्री, दोनों एंगल इक्वल हैं, इसलिए ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी पी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए सी पी कितना हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल भी 90 होगा, ये एंगल भी कितना होगा 90 होगा, और ये दोनों ट्रायंगल इक्वल थे इसलिए ए सी इक्वल टू बी सी भी हो गया। तो हमने दोनों साइड भी इक्वल कर दी, हमने दोनों एंगल भी इक्वल कर दी। ये तो सिंपल आपका कॉन्ग्रुएंसी नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन एक्चुअल में देखा जाए, बस इसमें क्या ऐड हो गया आपका टेंजेंट ऐड हो गया। कोई डाउट कोई शक किसी को इसमें? कभी कभी फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है ये कभी कभी दो नंबर में पूछा जाता है, आप पिछले तीन चार साल के पेपर उठा के देखो ना, यही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं आता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव। ये भी बेसिक क्वेश्चन है जो अभी हमने किए थे। चलो सिक्स क्वेश्चन देखो, मैंने आपको कल करा दिया था, याद है सिक्स क्वेश्चन, पी क्यू को इक्वल टू टू पी क्यू, एग्जाम्पल नंबर टू एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन नंबर पहले फाइव, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्किल ओ एट द पॉइंट एम ऑन द सर्किल द टेंजेंट इज ड्रॉन कटिंग दिस एंड दिस। ये होप्स आप खुद करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये वैसे सेम क्वेश्चन है, आप कर पाओगे। सिक्स क्वेश्चन कल हमने एनसीईआरटी में किया था, सेम वही क्वेश्चन है। पी क्यू सेवन क्वेश्चन देखते हैं अभी, ठीक है ना। फिफ्थ और सिक्स, सिक्स मैंने करा दिया था कल, फिफ्थ आप लोग खुद ट्राई करोगे। पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्किल दिस, ओके जी, टेंजेंट दिस एंड